नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपना वेट गेन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अपना वजन हम कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे युवाओं को ये प्रॉब्लम रहती है, खास करके टीनेजर्स को, कि उनका वेट अंडर वेट होता है, यानी कि उतना नहीं होता जितना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग का सभी को शौक होता है, तो किन चीज़ों का हम अगर अपने खाने पीने में ख्याल रखें तो हमारा वेट सही रहेगा और बढ़ भी जाएगा, ये हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट टू गेन वेट, जिससे कि आपका वजन बढ़े और आप तंदुरुस्त नजर आएं। दोस्तों, लड़कों का या नौजवान लोगों का शरीर गठीला और तंदुरुस्त नजर आए तभी वह खूबसूरत नजर आते हैं, और अच्छे और तंदुरुस्त सेहतमंद बॉडी पर आप कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, वह आपको जचेगा, चाहे एक सिंपल सी टी शर्ट ही क्यों ना हो। दोस्तों, तो आइए आज के हम इस वॉइस ओवर में देखते हैं वजन कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, इस भागम भाग से भरी जिंदगी में ज़्यादातर नौजवान लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, कुछ काम के बोझ की वजह से तो कुछ लापरवाही की वजह से। आज यहाँ हम आपको कुछ घरेलू टिप्स बता रहे हैं, इनका इस्तेमाल करने से आप अपना वजन प्राकृतिक रूप से बढ़ा लेंगे दोस्तों, और कुछ ही दिनों में आप हट्ठे कट्ठे नजर आने लगेंगे। वजन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमारे वीडियो को सुनते रहिए। वजन बढ़ाने के लिए अंकुरित अनाज का उपयोग करें। दोस्तों, अंकुरित अनाज मर्दों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। साथ ही अंकुरित अनाज जिंक जैसे पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स माना जाता है। जिंक में जो पोषक तत्व होते हैं वह शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ साथ पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को भी खत्म करते हैं, और इनका उपयोग आपके मसल्स को मजबूत भी बनाता है। टमाटर से वजन कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, टमाटर में लाइकोपीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। लाइकोपीन पदार्थ पौधों में पाया जाता है। लाइकोपीन पदार्थ एक नेचुरल केमिकल है। यह केमिकल अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि, फेफड़ों और पेट के कैंसर को खत्म करने की अद्भुत क्षमता रखता है, और साथ में आपके चेहरे की लालिमा और चमक को बढ़ाता है। तभी टमाटर खाने वालों का चेहरा टमाटर जैसा ही लाल दिखने लगता है। दोस्तों, अपने आप को निरोगी, तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए रोजाना एक टमाटर खा सकते हैं आप। लहसुन का प्रयोग। दोस्तों, लहसुन का सेवन पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद रहते हैं, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए कद्दू का सेवन। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। कद्दू में और शक्ति के गुण भरपूर हैं, विशेष तौर पर लड़कों और पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, मिनरल्स और भी कई तरह के स्वास्थ्यवर्धक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके इन्हीं गुणों की वजह से इसका नियमित सेवन करने से जीवन भर आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, और बहुत से मेडिकल प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल भी होता है। दोस्तों, अंडे से वजन कैसे बढ़ाएं। अगर आप अंडे खाते हैं तो इसे अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। अंडा आपके मसल्स को मजबूत बनाने के लिए औषधि की तरह काम करता है। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है, और इसमें कैल्शियम तथा अंडे के पीले भाग में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ताकतवर बनाता है। यही एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अंडे को अपने नाश्ते में नियमित रूप से शामिल करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अनार का प्रयोग। दोस्तों, अपनी डाइट में अनार का जूस नियमित रूप से शामिल करने से भी आपका ब्लड शुद्ध करने और आपके शरीर में खून बनाने में मदद होती है, और इसके अलावा भी कई तरह से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में अनार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनार का जूस जरूर लें।
अब देखते हैं दोस्तों कि क्या खाएं जिससे हमारा वजन बढ़े। स्वस्थ रहने के लिए शिमला मिर्च का उपयोग। दोस्तों शिमला मिर्च में भी काफ़ी प्रभावशाली गुण होते हैं जो इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार लाल शिमला मिर्च में ऑरेंज जूस के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। साइंटिस्ट की माने तो शिमला मिर्च में फ्लेवोनोइड्स, जी हाँ फ्लेवोनोइड्स के गुण भी मौजूद रहते हैं, और फ्लेवोनोइड्स तत्व मर्दों को सेहतमंद रखने में एक अहम भूमिका निभाता है, और लाल शिमला मिर्च फ्लेवोनोइड्स लेने के लिए एक बढ़िया स्रोत है। दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए सोया का प्रयोग। दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए सोया का उपयोग किया जा सकता है, और ज़्यादातर हेल्थ टॉनिक प्रोडक्ट में आप लोगों को सोया प्रोटीन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यह आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करके रखता है। रोजाना 20 से 25 ग्राम सोया का सेवन करना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। ज़्यादातर बाजार में जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं या वजन बढ़ाने वाली दवाइयाँ या पाउडर मिलते हैं, उनमें सोया पाउडर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कई बॉडी बिल्डिंग पाउडर जो ज़्यादातर जिमों में बिकते हुए देखे जा सकते हैं, उनमें सोया प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स स्वस्थ रहने का एक सबसे बेहतर विकल्प है। ड्राई फ्रूट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और पुरुषों को ड्राई फ्रूट्स का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, फिर चाहे आप इनको भूनकर खाएं या कच्चा खाएं। ड्राई फ्रूट्स में आमतौर पर फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिनसे आपके मसल्स मजबूत होते हैं और शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है दोस्तों, और साथ में दिमाग भी तेज होता है। ड्राई फ्रूट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है दोस्तों, जो आपकी बीमारियों को दूर भगाने में काफ़ी मदद करती है। इसीलिए हो सके तो ड्राई फ्रूट्स का नियमित रूप से सेवन करने लग जाएं। वजन बढ़ाने के लिए आम और पपीता। दोस्तों आम और पपीते में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और आम में अमीनो एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और इसके अलावा भी कई और तत्व जैसे विटामिन बी और तमाम एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद रहते हैं। अगर हो सके तो सुबह नाश्ते के समय आप पपीता जरूर खाएं, और दोपहर के भोजन के बाद आम खाना ठीक रहता है। पपीता एक फ्रूट है जिसका सेवन आप 12 महीने कर सकते हैं। दोस्तों अब वजन बढ़ाने के लिए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप सबसे बेहतर उपायों में से एक लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ और मक्खन, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए पुरुषों को इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। 1 कप दूध में लगभग 8 मिलीग्राम केमिटिन मिलता है। दूध से बनी चीज़ों में कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इनमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन डी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, जिससे आपकी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली का प्रयोग। दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली एक बेहतर और सस्ता उपाय भी है। मूंगफली में जिंक की मात्रा भरपूर पाई जाती है, और इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है। यह अमीनो एसिड मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, और इसके सेवन से शारीरिक दुर्बलता भी दूर हो जाती है और पुरुषों में कमजोरी की समाप्ति हो जाती है। मूंगफली एक सस्ता विकल्प है, इसीलिए इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ सबसे बढ़िया एक जो स्रोत है दोस्तों, और वो हमारे घर में भी होता है, आपके पास चना हो अगर, या गेहूं हो, सोयाबीन हो, जिनमें प्रोटीन होता है, इन सारे अनाजों को आप रात को भिगो दीजिए। जब ये फूल करके सुबह अच्छे ढंग से अपने पूरे फूल जाएं, तो इनको पानी में से निकालिए और खा लीजिए। अंकुरित होने के बाद एक दिन चाहे उसको पानी में से निकाल करके बांध के रख दीजिए, जब वो अंकुरित हो जाए उसे खा लीजिए। सबसे ज़्यादा फायदा करता है और इजीली डाइजेस्ट होता है, आपकी कई सारी बीमारियों को भी छुमंतर कर देता है, और आपका वेट भी सही हो जाता है दोस्तों। और ये सबसे सस्ता है। करना क्या, आपको चने लाइए, उसके साथ सोयाबीन लाइए और गेहूँ, इनको भिगो दीजिए एक साथ। सुबह जब ये अंकुरित हो जाएं, या एक दिन में तो आपको ये फूल करके रेडी होंगे, फिर उनको एक कॉटन के कपड़े में लपेट दीजिए
और वो जब अंकुरित हो जाए तो उसे खाइए। हल्का चाहें तो आप टेस्ट के लिए नमक छिड़क सकते हैं उस पर और उसका सेवन कीजिए, आपका वेट इजीली गेन हो जाएगा दोस्तों। तो देखा आपने कि आज हमने जो भी प्रोडक्ट्स लाए थे, यानी कि जो भी फल फ्रूट्स, जिन भी चीज़ों का सिलेक्शन हमने किया था इसमें दोस्तों इस एपिसोड में, वो वेट गेन करने के लिए थे और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है तो हमारा वेट गेन होगा, ये हमने आपको आज बताया। अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे आप सभी से कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।